Hey guys, welcome back to my vlog channel. और आज मैं बनाने जा रही हूँ Extreme Days in Public का part 2. और आज से 6 महीने पहले मैंने इसका part 1 बनाया था, जिसपे आपने करवा दिए पूरे 100k likes. और part 2 के days के लिए मैंने 2 दिन पहले डाली थी एक community post, जिसपे आपने भेज दिए पूरे 3000 days. तो आज उन्हीं में से मैं कुछ random days select करूँगी और उनको perform करूँगी. So let's go. हमारा पहला डेयर है मेट्रो में जाके माइक लगाकर एक क्रिंज सॉन्ग गाओ. माइक लगाकर ये रूल्स के खिलाफ है, बट डेयर है तो लेट्स ट्राई. मेट्रो में गाना बजाना वर्जित है, बट गा तो सकते हैं. बात तो सही है. Fast as fuck, boy. I don't think you have any idea. तो बढ़ते हैं अपने अगले डेयर की तरफ. और हमारा अगला डेयर है आपको किसी मॉल में जाके स्टैचू बनने की एक्टिंग करनी है. ये भगवान क्या जुलूम है. मतलब आज सारे हैवी डेयर्स तुम लोग मुझसे ही कराओगे, बट ठीक है, कोई ना, डेयर है, करना तो पड़ेगा. चलते हैं. गाइस, ये वाला डेयर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज लोग मुझे से घूर घूर के देख रहे थे, कुछ तो बोल रहे थे, फोटो ले फोटो ले फोटो ले. बट ठीक है, डेयर था, मैंने सो कर दिया, डेयर कंप्लीटेड. तो हमारा नेक्स्ट डेयर है पब्लिक प्लेस में 2 लीटर वाली बोतल से बिना रुके पानी पियो. बिना रुके, ठीक है. मतलब ये डेयर मुझे इतना मुश्किल लग नहीं रहा है, मुझे लगता है मैं ये कर लूंगी, इसमें क्या ही मुश्किल होगा. तो अभी चलते हैं, पहले 2 लीटर वाली पानी की बोतल ढूंढते हैं. भैया 2 लीटर की पानी की बोतल है, दे दो. बोतल तो मिल गई है, अब बस पानी पीना बाकी है. आई डोंट नो ये किसका डेयर था, बट ठीक है. कैसी लगी? जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था ये डेयर करना, बहुत मुश्किल है. पूरा पानी रख के अंदर चला गया और मेरे पूरे के पूरे कपड़े भीग गए. ऐसा लग रहा है मैंने पैंट में सूसू कर दिया यार, पूरे कपड़े भीग गए मेरे. अगला डेयर है किसी भी रैंडम को 100 रुपए दे के उससे थप्पड़ खाओ. मतलब हद हो गई, ये कैसा कैसा डेयर है. ये पैसा भी मैं दूं और चांटा भी मैं खाऊं. आओ खोजते हैं. हमारा एक डेयर चल रहा है, ठीक है. मैं आपको 100 रुपए दूंगी, आप मुझे एक थप्पड़ मार सकते हो? नहीं नहीं मार सकते. मैं आपको पैसे दूंगी थप्पड़ मारने के. क्यों? काम कर दो, छोटा सा. मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, 100 रुपए के बदले थप्पड़ मार सकते हो. क्यों? क्या बात है गाइस, क्या जमाना आ गया. लोग पैसे लेकर भी थप्पड़ नहीं मार रहे मुझको, इतनी मोहब्बत. यार मेरा ना एक डेयर चल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको 100 रुपए दूंगी, आपको बस मुझे एक चाटा मारना है. नहीं मार दो यार, बहुत देर से वेट कर रही हूं. 100 रुपए नहीं लेंगे, चाटा मारूंगी. शाबाश. अरे यार यही तो डेयर है, मेरा डेयर इनकम्प्लीट रहेगा. आप पार्टी का लेना, आइसक्रीम खा लेना. मतलब आपका कोई दुश्मन है ना, उसका चेहरा याद करो, बजा दो बजा दो बजा दो. मजा नहीं आ रहा है. बेबी जॉनसन वाला थप्पड़ था.
बट ठीक है, थैंक यू सो मच। इनकी वजह से हमारा डेयर यहीं कंप्लीट होता है। ये इनके ऊपर था तेज मारे चाहे धीरे, पर इन्होंने बहुत प्यार से थप्पड़ मारा। मेरा नेक्स्ट डेयर है ड्राइव थ्रू से आइसक्रीम लेके अपने मुंह पे मार लो। मतलब क्या क्या कर लूं, आज मैं पानी पी लूं, थप्पड़ खा लूं, ये सब नहीं कर लूं। चलो भाई गाड़ी लगाओ ड्राइव थ्रू पे। क्या कर रहे हैं यार तू? ला भैया यार, ये देखो कैसा आइसक्रीम खानी आती नहीं, ड्राइव थ्रू पे जाते हैं। देख रहे हो भैया कितने बदतमीज लोग आने लगे ड्राइव थ्रू पे। निकल पहली फुर्सत में निकल। गाइस आंख नाक कान सारी जगह आइसक्रीम घुस गई, बस मुंह में नहीं घुसी है, ठीक है। बट डेयर था, डेयर कंप्लीटेड। तो गाइस हमारा नेक्स्ट डेयर है मयंक को पब्लिक प्लेस पे प्रपोज करो। तुम लोगों ने जानबूझ के करा ना ये। तुम लोगों को पता था कि मैं ये रियल में कभी नहीं कर सकती, इसलिए ये डेयर में दिया है कि किसी ना किसी बहाने से निशु दीदी मयंक को प्रपोज करे। पर ठीक है यार डेयर है, बट मेरे पास तो यार प्रपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं। बुके भी आ गया, बस मयंक को ढूंढना बाकी है। तो वो वहाँ टपरी पे बैठ के चाय पी रहा है, चलो उसको वहीं पकड़ते हैं। ये क्या है? You be my boyfriend? ये कोई जगह है ये सब बात करने की यार? हैं? भाई मेरे को डेयर मिला, मुझे पब्लिक प्लेस पे तेरे को प्रपोज करना है। यही पब्लिक प्लेस मिला था? ये पब्लिक प्लेस ही है अंकल, और ये सारे पब्लिक ही हैं। इन सब के सामने कितना अजीब लग रहा है ये सब देखो। बताओ यार अंकल क्या अजीब लग रहा है, प्रपोज कर रही हूँ, कोई गलत बात है? आई रिजेक्ट यू, गेट आउट। भाई करवाली बेइज्जती मेरी, मिल गई खुशी, मिल गई दिल को तसल्ली, निकलवा लिया मेरी इज्जत का जनाजा, बात मत करना मेरे से। मैं तो गाइस हमारा अगला डेयर है पूरी बॉडी पर शेविंग फोम लगाकर पब्लिक प्लेस में घूमो। मतलब पूरी बॉडी पे यार ये बहुत, पूरी बॉडी पे लग चुकी है, बट अभी मार्केट में घूमना बाकी है। कैसे कैसे डेयर कराते हो यार तुम लोग, आओ। वॉशरूम भी नहीं बता रहे मुझे। तो गाइज अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ क्योंकि पूरे मार्केट में मेरा बहुत ज्यादा तमाशा बन चुका है, और अब मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं और डेयर्स कर पाऊँ। तो इसीलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड, और अगर आप इस वीडियो पे करवा देते हो पूरे 2,00,000 लाइक तो मैं इसका एक्सट्रीम पार्ट बनाऊंगी, पार्ट 3 2,00,000 लाइक होने के बाद। और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा डेयर कौन सा लगा। और यार अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड गाइस परी मैच को चेकआउट जरूर कर लेना जहाँ पे आप खेल सकते हो क्रिकेट लेजेंड डेल स्टेन के साथ।